वो राजा जिसने भारत में जमकर की लूटपाट और ईरान में 3 साल तक टैक्स माफ किया। मुगल शासन के बाद से किसी बाहरी दुश्मन ने भारत पर आक्रमण नहीं किया था। ये साहस नादिर शाह ने किया। उसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच करनाल का युद्ध 1739 में फरवरी में लड़ा गया। इस लड़ाई में नादिर शाह जीता। उसने पेशावर स्थित मुगल सेना का विध्वंस कर काबुल पर अधिकार कर लिया। नादिर शाह ने मुगलों की बसाई रियासत में जमकर लूटपाट मचाई। शाही हरम की बेगमों के अलावा उसे मोहम्मद शाह की बेटी शहनाज बानू भी मिली। नादिर ने शहनाज का निकाह अपने बेटे नसरुल्ला खां के साथ करवा दिया। वो 2 महीने तक दिल्ली में लूटमार करता रहा, जिसकी वजह से मुगलों की राजधानी बर्बाद सी हो गई। नादिर शाह दिल्ली में कुल 56 से 57 दिनों तक रहा, लगातार लूटपाट करता रहा। जाते वक्त करोड़ों की संपदा के साथ 1000 हाथी, 7000 घोड़े, 10000 ऊंट, 100 खोजे, 130 लेखक, 200 संगतराश, 100 राज और 200 बढ़ई भी साथ ले गया। वह प्रसिद्ध मुगल राज सिंहासन तख्त ताउस को भी ले गया। इसे शाहजहां ने बनवाया था। मुगल ताज में लगे कोहिनूर को भी अपने साथ पगड़ी बदलने की रस्म के नाम पर उड़ा ले गया। ईरान पहुंचकर तख्त ताउस पर बैठा। वह अपने ही सैनिकों के विद्रोहों में सन 1804 में मारा गया। नादिर ईरान की गद्दी पर सफवी वंश 1502 से 1730 का खात्मा पर बैठा। नादिर ने 1736 में खुद को शाह घोषित कर दिया था। नादिर ने भारत से लूटकर इतना धन जब्त कर लिया था कि ईरान में वापसी के बाद उसने 3 साल के लिए टैक्स माफ कर दिया था।